आप देख सकते हैं अंदर से इसकी फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है। सभी दोस्तों का मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बेसन और दही का चटपटा नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये बच्चों बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 250 ग्राम दही लिया था। दही को हमने छन्नी में डाल दिया था, इससे इस तरह से पानी निकल गया था। ये पानी को हम फेंक देंगे। दही हमारा बिल्कुल गाढ़ा तैयार हो चुका है। इसको हम बिल्कुल, आप देख सकते हैं, पनीर की तरह लग रहा है। आज अब हम दही और बेसन से इसकी रेसिपी दिखाएंगे। इसको इस तरह से आपको बर्तन में निकाल लेना है सारे दही को, और आप वीडियो में दिख रहा होगा बिल्कुल पनीर जैसे इसकी फिलिंग आ रही है। इस तरह से आपको गाढ़ा दही जमना चाहिए, बिल्कुल ऐसा जैसे मैं आपको प्लेट में दिखा रही हूँ कि इतना गाढ़ा, ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसा पतला दही नहीं जमना चाहिए कि बिल्कुल पतला सा हो। आज मैं आपको दही से बनी हुई रेसिपी बताऊँगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी दही और बेसन से। आप कभी सोच रहे हो कि मैं ढोकला बता रही हूँ, मैं ढोकला नहीं बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बता रही हूँ जो चटपटा है। दोस्तों दही को आप जब भी आप छन्नी में छान करने के लिए रखें तब आप फ्रिज में ही रखें, बाहर नहीं रखें। छन्नी में अंदर ऐसे कटोरी में करके रख दीजिएगा, नहीं तो बाहर रखेंगे तो दही खट्टा हो जाता है, फ्रिज में रखेंगे तो आपका दही मीठा रहेगा। मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, आप कप का भी नाप ले सकते हैं। इस कटोरी बेसन को हम बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हमें चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे कलर के लिए, 2 पिंच हम अजवाइन डालेंगे। 2 पिंच ही अजवाइन लिए, अजवाइन से एक तो गैस नहीं बनती और हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और आधी टीस्पून मोटी लाल मिर्च डालेंगे, आप चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मैं मेथी डाल रही हूँ, कसूरी मेथी से थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसको हम क्रश करके डाल देंगे इस तरह से। अगर आपकी मेथी सीली गई है तो आप इसको तवे पे भी रख कर क्रश कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइट हो जाते इसके छिलके, पत्ते टाइट हो जाते हैं, आप इसको दोबारा से क्रश करके डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देना है। अब इसका हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी रख करके डालना है हमें, एक साथ डालेंगे तो ये हमारा पतला घोल तैयार हो जाएगा। जितना हमने बेसन लिया, किन मानिए आज जो मैं नाश्ता बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। आप बच्चों के ऑफिस में, बच्चों के टिफ़न में, और अगर आप सफ़र में जा रहे हैं या पिकनिक मनाने जा रहे हैं आप इसको ले जा सकते हैं। घोल हमारा तैयार हो चुका है, आप इसको मेरे को ढक के रख देना है। इधर हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस दही को मैंने दही में से पानी निकाल लिया था और ये आपको मैंने बताया ही था। अब इसमें हमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, वो ये 2 चम्मच है हरा धनिया, इसको हम डाल देंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी हमने प्याज लिए बिल्कुल छोटे साइज में, ये भी 2 ही चम्मच के हैं, ये भी हम डाल देंगे। बारीक कटी हुई है, बिल्कुल चॉप करी हुई होनी चाहिए। हरी मिर्च लिए हमने, बारीक काट लिए, इन्हें भी हम डाल देंगे। और 2 चम्मच हमने गाजर ली है, गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया, आप बारीक भी काट सकते हैं। और 2 चम्मच हम बारीक शिमला मिर्च लिए हमने, इसको भी हम डाल देंगे, ये भी हमने बारीक चॉप कर रखी है। दोस्तों आप अपने इच्छा के अनुसार सब्जियां डाल सकते हैं जो बच्चे खाते हैं। और 2 चम्मच मैंने कॉर्न के दाने उबाल लिए थे, इनको भी हम डाल देंगे। थोड़े से मैं बचा ले रही हूँ। और दोस्तों बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैंने 1/4 कप मजरोला चीज़ डाल रही हूँ, ये लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। 1/3 हमने चाट मसाला लिया है, ये डाल देंगे। और 1/3 हमने काली मिर्च ली है, इसको भी डाल देंगे। ये पाउडर है काली मिर्च का। और 1/3 हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। और 1/4 हमने नमक लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिएगा कि ये बिल्कुल फिलिंग इसकी गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इतना गाढ़ा बैटर होना चाहिए। दही बिल्कुल आपको पतला नहीं रखना है,
पानी बिल्कुल निकाल देना है इसको। दोस्तों हमारे बैटर को गुले हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। बैटर हमारा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरा ज़्यादा ही गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी मिला दूँगी। रखा रखा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है ये, आप देख सकते हैं। बैटर हमारा इस तरह से होना चाहिए, इतना होना चाहिए जैसे कि हम पकौड़ों से थोड़ा सा पतला सा, जैसे हम चीले बनाते हैं उस तरह से। दोस्तों इधर हमारा बैटर तैयार है, फिलिंग भी तैयार है। अब तब गैस पे मैंने एक तवा रखा है, तो इसमें बैटर डालना है। आप इसको जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हल्का सा पानी की छींटे मारकर आप थोड़ा पानी से पोंछ लीजिएगा। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है तो तवे थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाता है। इस तरह से हमें एक चम्मच फिलिंग डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। इसको थोड़ा सा हमें बड़ा कर देना है। इसको नीचे से हमें सेक लेना है अच्छी तरह से। नीचे से सेकने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अब हल्का सा हमें घी डाल देना है इस तरह से चारों तरफ। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, ब्रश से भी डाल सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं आप। गैस को हमने मीडियम पे कर रखा है इस टाइम। चीला सेकते हैं हमें उसी तरह से ही सेकना है, जब नीचे से सिक जाएगा जब हम इसको पलटेंगे। और इसमें अभी हमें फिलिंग भी भरनी है। दोस्तों आप वीडियो आखिर तक देखिएगा, नहीं तो आपको बीच में रह जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमने फिलिंग कैसे भरी। दोस्तों नीचे से सिक चुका है, अब इसको हमें पलट देना है। ये आप देख सकते हैं नीचे से हमारा सिक चुका है, अब इसको हमें नीचे इधर से सेकना है। अब सिके हुए की तरफ हमें ये फिलिंग लगानी है, जो ये मैंने दही की फिलिंग बनाई थी इसको हम रख के फैला देंगे इस तरह से। गैस इस टाइम मैंने धीरे कर रखी है दोस्तों। चारों तरफ अच्छी तरह से फिलिंग लगा देनी है। इस फिलिंग के ऊपर हमें दोबारा से ये बैटर डालना है बेसन का। दोस्तों अगर थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो कोई बात नहीं, आप इसे चक्कू से गोल काट सकते हैं। अब हमें गैस मैंने धीरे कर रखी है, अब हमें एक ढककर इसको हमें पकाना है 2 मिनट के लिए, जब तक ये ऊपर से हल्का सा सीक नहीं जाए, जैसे स्टीम हो जाता है। उसके बाद हमें पलटना है, अगर अभी हम पलटेंगे तो इसका बैटर गिर जाएगा। दोस्तों मैंने ये कवर करके रखा हुआ था चीले को, जिससे स्टीम होकर ये ऊपर से हमारी जो लेयर होती है आप देख सकते हैं ये हल्का सा स्टीम से ये पक गया है। अब इसे हमें पलटना है, क्योंकि ये नीचे से सूख चुका है, अब इसको मैं पलट दूँगी। दोस्तों एक पलटे की सहायता से हमें इसे पलट देना है। ये आप देख सकते हैं नीचे से हमारा सिक चुका है बिल्कुल क्रिस्पी। अब नीचे के साइड से भी हम सेक लेंगे इस तरह से ही, हमें दोनों तरफ से सेकना है। ये हमारा बेसन और दही का नाश्ता बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। इसको आप एक खा लेंगे आपका पेट भर जाएगा। आप इसे ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन दे सकते हैं। हमें इधर नीचे से भी घी लगा देना, हल्का हल्का सा तेल लगा देना, जिससे मेरा नीचे का भी सिक जाए। दोस्तों ये नीचे से भी सिक चुका है, इसको सिकने में नीचे से भी 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये हमारा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। मैं इसको डाल दूँगी उस तरह से, मैं आप इस तरह से मैं सारे सेक लूँगी। दोस्तों दोबारा से हमें इस तरह से ही दोबारा बनाना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इसी तरह से आप जितने पतले मोटे बना सकते हैं। दोबारा से मैं इसको कवर कर दूंगी स्टीम होने तक। ये 5 मिनट तक हमें स्टीम करनी है, जिससे थोड़ा सा ये पक जाए। अगर दोस्तों हमारे इस तरह से थोड़े से ये बाहर निकल जाते हैं तो इसको आप पिज़्ज़ा कटर से ऐसे काट दीजिएगा, ये निकल जाएंगे छोटे छोटे से। और ये साइड से भी इस तरह से आप बोल्ड करना चाहते हैं तो ये गोल हो जाएगा, इस तरह से निकाल दीजिएगा इसको। और नहीं तो इसको अंदर ऐसे दबा देंगे, अभी ये कच्चा है थोड़ा सा सिक जाएगा। दोस्तों ये चीला हमारा सिक चुका है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, धीरे आँच पर, बिल्कुल धीरे आँच पर इसको पकाना है, बिल्कुल तेज़ आँच पर नहीं पकाना है।
हमें 5 मिनट, हमने जब धीरे आंच पे पकाया था जब नीचे से हमने सेका, इसको भी बिल्कुल धीरे आंच में 5 मिनट लग जाते हैं सिकने में। 2-3 मिनट में बिल्कुल नहीं सिकता है, लोग कहते हैं 2-3 मिनट में सिक जाता है, नहीं सिकता है चीला ये, इसको टाइम लगता है। इसको आप ध्यान से सेकिएगा, अगर आपने उतारे तो ये कच्चा रह जाएगा और टूट भी सकता है। इस तरह से मैंने आपको 2 चीले दिखा चुकी हूँ, मैं सारे इस तरह से चीले सेक के तैयार कर लूँगी। इस बैटर में मेरे 3 चीले ही सिकेंगे। उतारने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, क्या सोचेंगे नीचे से सिका नहीं सिका, मैं आपको दोनों तरफ से दिखा दिया है। ये मेरा चीला दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिका हुआ है। आप इसको परांठा भी कह सकते हैं, चीला भी कह सकते हैं और एक नए तरह का नाश्ता भी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरफ से दिखाया है। कभी आप सोच रहे हो कि एक तरफ से सिका है दूसरी तरफ से कच्चा रह गया है, इस तरह से मैं सारे चीले डाल लूँगी। थोड़ा सा हमें बैटर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आप देख रहे होंगे मैं छोटा सा ही बना रही हूँ, मेरे पे फिलिंग कम बची हुई है इसलिए। और हमें दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेना है इसी तरह से घी लगा के, जैसे हम सिंपल चीला सीखते हैं। मैं उस तरह से भी दिखाती हूँ, दही का आपको ऐसे भी सीख जा सकता है। दोस्तों मैं एक छोटा सा जो चीला डाला था इसको मैंने दोनों तरफ से सेक लिया इस तरह से। आप चाहो तो फिलिंग को ऐसे भी रख सकते हैं, दही की फिलिंग को ऐसे भी रख सकते हैं आप, और इस तरह से करके आप इसको मोड़ दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे ऐसे नहीं सिकता है तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से भी हम सर्व कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, तब भी खाने में पूरा ही टेस्टी लगता है। इसकी फिलिंग में बिल्कुल नमक और मिर्च हमने अंदर जो डाली है बिल्कुल अच्छी तरह से डाली है, बाहर भी हमने इसमें मसाले डाले थे। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से भी ये सारा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बेसन और दही के चटपटा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इसकी फिलिंग भी आपको देख सकते हैं अंदर से कितनी भरी हुई सी लग रही है। इस तरह से आप सारे काट के इनको दे सकते हैं आधे आधे पीस में करके और इन्हें सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।